हे गाइस, नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं गाइस। तो गाइस, आज लेकर आई हूँ मैं चने के साग की रेसिपी। चलिए बनाते हैं। तो गाइस, मैंने साग को अच्छे से बीन लिया है और इसे धो लिया है 3 से 4 बार अच्छे से, और इसको कट कर लिया है फिर, और कट किया एकदम बारीक बारीक। ज़्यादा मतलब मोटा मोटा सही नहीं रहता है, क्योंकि हम बनाएंगे इसे लिक्विड वाला दाल डालकर। तो गाइस, ये सीजनेबल साग है, इसी टाइम मिलता है। अगर आपने नहीं बनाया है तो बनाइए ज़रूर, और फिर आप कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा। गाइस, दाल ले ली है उड़द की छिलके वाली, ये लगभग ऐसी होगी 100 ग्राम अंदाजे से मैंने ली है, नापा नहीं है। तो गाइस, अब मैंने पानी गर्म कर लिया है भगोने में, और पानी जब गर्म हो जाता है उसमें डालते हैं हम ये दाल पहले, और उसके बाद डालूँगी मैं साग। फिर गाइस, इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे और ये अच्छे से बन जाएगा, उसके बाद इसे देखेंगे। मैं आपको भी दिखाऊंगी गाइस, बने रहिए वीडियो में। और अब डाल देते हैं गाइस इसमें चने का साग जो मैंने कट करके रखा हुआ है। एक बार मैंने और धो लिया है गाइस अच्छे से। तो गाइस, अब डाल देते हैं इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी। अब कुछ लोग हल्दी नहीं डालते हैं हरे साग में, तो वो स्किप कर सकते हैं गाइस। देखिए गाइस, लगभग आधा बन गया है हमारा साग, और 2 मिनट के लिए और ढक दिया मैंने, और देखिए अब परफेक्ट हो गया है बनकर। और अब मैं लगाऊंगी इसमें मक्की के आटे का ओरन, हम बोलते हैं ओरन, यानी आटे को गीला करके थोड़ा सा पानी डाल के और लिक्विड बना के इसको मैं लगाते हैं साग में। आटे का ओरन लगाने से ये होता है गाइस कि जब साग बनता है तो पानी अलग रहता है, और जब हम ये साग में ओरन लगा देते हैं तो एकदम मिल जाता है। चमचे में आप लेके देखेंगे तो पानी अलग, साग अलग नहीं दिखेगा। देखिए गाइस, मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसा बना के आटे को लिक्विड वाला करके, तब हम इसमें साग में डालते हैं, और फिर इसे थोड़ी देर और पका लेंगे 1 मिनट के लिए, उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। बने रहिए आप वीडियो में। गाइस, अब डाल दूंगी मैं इसमें मिर्च का पाउडर, ये तीखा वाला है गाइस, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। गाइस, साग बनकर रेडी है, देखिए बिल्कुल मिल गया है, पानी अलग साग अलग नहीं है। तो ऐसा साग बनाकर आप जरूर से देखिएगा, अगर आपने सूखा बनाया है तो एक बार ऐसा बनाइए, और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर से बताइए, आपको भी ज़रूर से पसंद आएगा ये साग। तो गाइस, अब लगा देते हैं तड़का। तो मैंने ले लिया है घी, और घी गर्म कर लिया है, उसमें लगा दिया हींग, और लगा दिया है मैंने साबुत मिर्च तोड़कर टुकड़े, और ये देखिए मैंने लगा दिया अब तड़का। और तड़का लगाने से इतना स्वाद बढ़ता है इसमें कि आप जब बनाएंगे या खाएंगे तभी आपको पता लगेगा गाइस। देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है गाइस, देखिए। तो गाइस, इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करना। मैंने बनाई है मक्की की रोटी, और आप भी मक्की की रोटी के साथ या बाजरे की रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा आपको ये। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स भी जरूर से क्या करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना बहुत ख्याल रखें गाइस।